अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पर एक ज़बरदस्त रेमेडी आप लोगों के लिए, एक ऐसी वाइटनिंग क्रीम जिसको यूज़ करने के बाद आप लोग किसी भी महंगे महंगे क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग घर में ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी वाइटनिंग क्रीम रेडी कर सकते हैं। अपने हैंड्स एंड फीट को वाइट कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, टैनिंग को ख़त्म कर सकते हैं और डार्कनेस और डलनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी जो है आप लोगों से रेमेडी शेयर करी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइटनिंग क्रीम आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा है एलोवेरा जेल। और आप सबको पता है ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करता है, तो हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी स्किन सॉफ्ट रहे, स्मूथ रहे और ड्राइनेस भी ना हो। तो यहाँ मैं इसमें 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड कर दूँगी, ठीक है? जो क्वान्टिटी बता रही हूँ उस क्वान्टिटी से बनाएंगे, तो इतनी बनाएंगे तो इसी क्वान्टिटी से बनाइएगा, वरना ज़्यादा बनानी हो तो क्वान्टिटी को आप लोग डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एलोवेरा जेल ऐड कर दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ ले लिया वाइटनिंग कैप्सूल्स। आप सभी को पता ही है हमारी स्किन पर वाइटनिंग और ब्राइटनिंग का काम करते हैं, और ये कैप्सूल्स आप लोगों को इजीली जो है कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये जो है वाइटनिंग और ब्राइटनिंग जो है हमारी स्किन पर बहुत जल्दी जो है वाइटनिंग इफेक्ट लेकर आते हैं। जो पॉलर्स में महंगी महंगी ये वाइटनिंग क्रीम सेल हो रही होती हैं, जो ब्लीच वो लोग यूज़ करते हैं, जो फेस पॉलिश वो लोग यूज़ करते हैं पॉलर्स में, उसमें यही वाइटनिंग कैप्सूल्स यही ऐड कर रहे होते हैं, जिससे हमारी स्किन पर एक वाइटनिंग सा इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ इस जितनी क्वान्टिटी मैंने एलोवेरा जेल की ली है, तो उसमें मैं यहाँ 3 वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड करूँगी, ठीक है? और इसको पहले कर लेंगे मिक्सिंग। इन दोनों चीज़ों की बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि हमारी कैप्सूल्स और जो है वो एलोवेरा जेल दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतने अच्छे क्रीम्स के आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ ले ली है वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, मेरे पास जो है वो फेस ब्रश की वाइटनिंग क्रीम रखी हुई थी। आप लोगों के पास जो भी वाइटनिंग क्रीम हो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेरे पास ये अवेलेबल थी, मैं इसमें यही ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास गोल्डन पर्ल हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है ये क्रीम ऐड कर दी है। अच्छा, ये जो है मेरी क्रीम थोड़ी सी पिंक कलर में जो है वो उसकी बन जाएगी, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों के पास जो भी हो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब इसकी मिक्सिंग हमें बहुत अच्छी सी करनी होगी कि जब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे तो उसमें लम्ब्स बनना शुरू हो जाएंगे और थोड़ा सा टेक्स्चर इसका हार्ड हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग इसकी मिक्सिंग करेंगे तो ये एक अच्छी सी क्रीमिंग फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। वो इसलिए ऐड कर रही हूँ जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, डलनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उनकी जो है इस क्रीम को यूज़ करने के बाद स्किन ड्राई नहीं होगी, डल भी नहीं होगी। तो यहाँ हम इसमें जस्ट 5 to 6 ड्रॉप्स ही ऐड करने होंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, ठीक है? 5 to 6 ड्रॉप्स ऐड कर दिएगा और फिर इसकी करिएगा बहुत अच्छी सी मिक्सिंग। आप लोग देख सकते हैं मेरी क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है? जब हम इसमें कोई वाइटनिंग क्रीम ऐड करेंगे ना तो थोड़ी सी थिक होने शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी करनी होगी। तो यहाँ मेरी क्रीम की मिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई थी, और जो है ये जो है फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं या जो भी हम लोग महंगी महंगी क्रीम्स यूज़ करते हैं ना, उसकी नीड आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगी जब आप लोग ये क्रीम बनाकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो है बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई थी, और अब मैं आप लोगों को अपने हैंड पे जस्ट अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें इसकी एप्लीकेशन करनी होगी। तो यहाँ पे अपने हैंड और फीट पर, अपने नेक पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई करिएगा, और ओवरनाइट इसको आप लोग अपने हैंड्स और फीट पर लगा रहने दीजिएगा। तो इस तरह से ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट्स देगी। जिनकी स्किन सेंसिटिव है या रैशेज हो जाते हैं या रेडनेस आ जाती है, वो लोग भी इजीली इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो सेंसिटिव और ड्राई स्किन वालों के लिए जो है वो स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखेंगे। तो मैं जस्ट एप्लीकेशन इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आप लोगों को इसी तरह से ही एप्लीकेशन करनी होगी, लगा के हल्के से मसाजिंग करिएगा ताकि क्रीम जो है वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और फिर उसके रिजल्ट जो है वो अमेजिंग आए। तो ये जो है क्रीम मैंने जस्ट 1 वीक के लिए ही बनाई है, तो कोशिश आप लोग ये करिएगा 1 से 2 वीक्स के लिए ही बनाए, उसके बाद फ्रेश बनाइएगा तो रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ मैंने इसको आप लोगों को अप्लाई करके दिखा दिया है, तो ज़रूर इसको ट्राई करना है। कमेंट्स में बहुत अच्छा सा फीडबैक भी देना है कि वीडियो कैसी लगी। इस क्रीम को बनाकर भी स्टोर कर लें 1 वीक के लिए, 2 वीक्स के लिए। अच्छा,
एक और बात कि इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोग फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो आप लोग इस क्रीम को जो है स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करेंगे इसमें मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल ऐड करें। तो इस तरह से फिंगर्स पे, अपने नकल्स पे इसको ज़रूर अप्लाई करेगा, जिनके नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं या पैरों पर जो है वो पैचेस पड़ जाते हैं, जूतों के निशान पड़ जाते हैं, उन सब के लिए बेस्ट क्रीम शेयर कर रही हूँ। महंगी महंगी क्रीम्स आप लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी सॉफ्ट स्मूथ आप लोगों की स्किन हो जाएगी, टैनिंग ख़त्म करेगी, और जिनके बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं, उनके लिए भी बेस्ट क्रीम ये आप लोगों से मैंने शेयर की है। तो जो सलॉन्स में महंगी महंगी क्रीम्स, फार्मूला क्रीम्स सेल हो रही होती हैं, उन सब में भी यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे होते हैं जो हम घर में ही इजीली अपने बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में अच्छा सा फीडबैक दिएगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर कर देना है ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।